Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। द ललन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना या बात करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार यानी 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और ललन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी तो हम आपको कमी बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन समय फिर नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी PSEB इस समय आलोचनाओं से घिरा हुआ है। पहले तो बोर्ड ने उस परीक्षा से लगभग 95 करोड़ रुपए कमाए जो आज तक हुई ही नहीं, और अब आरोप है कि बोर्ड एक मार्कशीट देने के लिए छात्रों से 800 रुपए की मांग कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बोर्ड की तरफ से सफाई भी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने 2020-21 के एकेडमिक सेशन में 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया। ये फैसला कोविड महामारी के मद्देनजर लिया गया। छात्रों का प्रमोशन उनके पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है। इस दौरान बोर्ड ने 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों से 1100 रुपए एग्जामिनेशन फीस ली। इस तरह से बोर्ड को 9वीं क्लास के बच्चों से 38 करोड़ 75 लाख और 11वीं क्लास के बच्चों से 55 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई हुई। इधर इस पूरे मामले पर शिक्षकों के संगठन डेमोक्रेटिक शिक्षक संघ ने बोर्ड के ऊपर गरीब छात्रों को लूटकर प्रॉफिट बनाने का आरोप लगाया है। डेमोक्रेटिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विक्रमदेव ने अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून को बताया, बोर्ड ने उस एग्जाम से पैसे कमाए हैं जो कभी हुए ही नहीं। हमने इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ज्यादातर बच्चे आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर तबके से आते हैं। इस कदम से साफ पता चलता है कि सरकार शिक्षा को उन बच्चों की पहुंच से दूर करती जा रही है। इससे पहले भी डेमोक्रेटिक शिक्षक संघ ने बच्चों से एग्जामिनेशन फीस लेने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। अब संगठन की मांग है कि या तो बोर्ड बच्चों को एग्जामिनेशन फीस वापस करे या फिर उन्हें फ्री में सर्टिफिकेट दे। इधर बोर्ड ने अपनी सफाई में कहा है कि उसने किसी भी तरह का मुनाफा नहीं कमाया है। PSEB के चेयरमैन डॉक्टर योगराज की तरफ से कहा गया है कि ये कहना गलत है कि बोर्ड ने मुनाफा कमाया है। एग्जाम कराने के लिए सारी तैयारियां हो गई थी, पेपर तक प्रिंट करा लिए गए थे, हम कोविड की वजह से एग्जाम नहीं करा पाए। योगराज ने यह भी कहा है कि मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर एप्लीकेशन से फ्री में हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा, हार्ड कॉपी जरूरी नहीं है, इसलिए जिनको ये चाहिए उनसे 800 रुपए लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगले सेशन से छात्र हार्ड कॉपी लेना चाहेंगे तो एग्जामिनेशन फीस के साथ उन्हें बस 100 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।